Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pen Gravity. Dawn newspaper jo hai today uske editorials ka jo hai analysis kiya jayega is lecture ke andar aur practice ke andar hum in areas ko cover karenge. Jo naye students hain unke liye purane to jante hain jis tarah se hum is lecture ko jo hai deliver karte hain. उनके लिए डे है जो पुराने नए स्टूडेंट्स हैं कि एडिटोरियल्स को हम एनालिसिस तो करेंगे, देखेंगे इनके अंदर क्या क्या आया है, लेकिन जब इनको हम एनालिसिस करेंगे तो हमारा जो फोकस रहेगा वो ऐसे के ऊपर रहेगा, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर क्रिटिकल अप्रोच आपकी डिवेल्प करने में हमारा फोकस रहेगा और साथ में आर्गूमेंट बिल्डिंग के ऊपर. तो इन एरियाज को बेसिकली हम कवर करेंगे. एंड टूडे इज 23rd of January 2024. ये रहा आपका जो डॉन न्यूज़पेपर है टुडे उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला पेज. इस लेक्चर के अंदर 1, 2 एंड 3 ये वाले तीन जो एडिटोरियल्स हैं जिनको हम डेली बेसिस पर करते हैं इसी को हम जो है इस लेक्चर के अंदर जो है एनालिसिस करेंगे. बाकी ये वाला जो सेक्शन है ओपिनियन वाला जिसके अंदर चार ओपिनियन है 1, 2, 3 एंड 4 ये ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है और इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है तो ये लेक्चर भी आपको मिल जाया करेगा. और इसके अलावा जो नए पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, जो नए हैं उनके लिए ये है कि आप चैनल पर जाएं, वहां पर 100+ लेक्चर्स जो हैं 2023 के ओपिनियन के पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, वहां से आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. ये बेसिकली चार आप कह सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर मिनी ऐसे होते हैं जिनको हम जो है वो इसी तरीके से जिस तरह एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं इसी तरीके से उनको डिस्कस किया जाता है. बहरहाल अब जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ लिंक होगा न्यूज़पेपर का और टुडे जो लेक्चर है इसका चैप्टराइजेशन इसकी कर दी जाएगी. व्हाट्सअप लिंक है, आप वहां से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. एंड टुडे क्वेश्चन इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस आपने बताना है वो कौन है, ये क्यों पूछा है, ये एडिटोरियल के अंदर आपने डिस्कस करना है. सो दैट्स व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन कि हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है. कमेंट करके आपने इसका रिप्लाई भी देना है और अपना फीडबैक भी जरूर देना है ताकि हम इसको और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें. फर्स्ट आपका जो एडिटोरियल है FBR रिफॉर्म्स, इस एडिटोरियल को अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर जो हमारा मेन पेपर पर्सपेक्टिव में जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा इकोनॉमी का. तो FBR रिफॉर्म्स बेसिकली डील करता है इकोनॉमी को, ठीक है, कि जैसे हम FBR रिफॉर्म्स करेंगे तो इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ये FBR रिफॉर्म्स जो हैं ये की जाएंगी. तो अब बेसिकली इसके अंदर है क्या, एडिटोरियल वाला कहता क्या है, वो ये कहता है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना पाकिस्तान की जो अभी आई हुई है वो प्लान कर रही है कि हम FBR जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसको हम क्या करें, इसको रिस्ट्रक्चर कर दें. तो FBR आपको पता है FBR का काम होता है रेवेन्यू इकट्ठा करना, टैक्स वगैरह इकट्ठे करना. तो वो कह रहे हैं इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए. अब जब ये बात की जाती है तो फिर जाहिर है अल्टीमेटली इस बात का करने का मकसद तो ये है कि जो है टैक्स जो है रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो बढ़ जाए. जब इसके अंदर हम FBR के अंदर रिफॉर्म्स करेंगे तो जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है पैसे जो हैं वो ज्यादा इकट्ठे होंगे, ज्यादा जो है लोगों से टैक्स लिया जाएगा मुख्तलिफ तरीकों से. ये नहीं है कि टैक्स लोगों से ज्यादा लिया जाएगा, यानी कि उससे क्या होगा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी FBR की, ठीक है, करप्शन कम हो जाएगी. तो इस तरह के जो है काम रिस्ट्रक्चर करने का ये मकसद है. तो आप लोग जो अभी 8.5% टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो तकरीबन 15% चला जाएगा कुछ महीनों सालों के अंदर. तो ये होगी उसकी आउटपुट. लेकिन इसको रीस्ट्रक्चर करने में जो है जो FBR की अपने लोग हैं अफसर हैं वो और कोई जो पॉलिटिकल पार्टीज मेजर हैं पाकिस्तान की वो नहीं चाहती कि इसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, ठीक हो गया. अब वो क्यों नहीं चाहती ये आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड के अंदर कि वो क्यों नहीं चाहती. अच्छा काम है उन्हें देना चाहिए लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो इसको अपोज कर रही है. आगे वो कहते हैं कि ये जो काम करना जा रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट ये कैसे करने जा रही है, रिफॉर्म्स थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत वो ये रीस्ट्रक्चर जो है ये करने जा रही है FBR को, और ये लेस देन 10 डेज बिफोर द पोल से लेस देन 10 डेज पहले ये जो काम जो होगा, ठीक है. तो अब जो है आगे चलते हैं और आगे जो मेन ये अपोजिशन वाली बात है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहता है. वो ये कहता है
कि ये जो अभी रीस्ट्रक्चर करने की जो अप्रूवल मिला है ये कहाँ से मिला है? गवर्नमेंट तो है नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो ये अप्रूवल मिला है आपको स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से। ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं कि क्या इसके पास पावर्स हैं। तो बेसिकली ये है आपका स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये बनाया गया था 2023 के अंदर, जो आपके चीफ मिनिस्टर साहब हैं इसके मेंबर्स हैं सारे के सारे प्रोविंसेस के, और साथ में आर्मी चीफ साहब भी इसके क्या हैं, मेंबर हैं। ठीक है, और इसको जो है अभी जो पिछली गवर्नमेंट थी पीडीएम की गवर्नमेंट, तब ही इसको बनाया गया था, और प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने उनकी लीडरशिप के अंदर इसको बनाया गया था। अब इसको बनाने का मकसद ये वाला था कि इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान, अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनके ऊपर ये क्या करती है, डिस्कशन करती है, और उसके ऊपर ये जो है फैसले भी देती है। ठीक है, और इसके साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि बाहर से अगर किसी बंदे ने, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस से किसी बंदे ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो फिर किसको मिले? तो उसने कहीं नहीं जाना, उसने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के पास जाना है। वहां पर उसको वन विंडो सॉल्यूशन दे दिया जाएगा सारे का सारा, उसको सारी की सारी बातें बता दी जाएंगी कि आपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ कैसे कैसे करनी है, क्या उसके प्रोसीजर है। तो वो एक जगह पर उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट करना फिर आसान हो जाता है। तो ये है इसके बनाने का मकसद। अब जो अगली बात है वो ये है, हमने कुछ दिन पहले ए ओपिनियन भी डिस्कस किया था इसी टॉपिक के ऊपर, वो ये है कि अब देखें आम हालात में जब गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो आपकी जो इकोनॉमिक काउंसिल है वो, और एनएफसी वाले, एनएफसी वार्ड वाले, तो ये इस तरह के डिसीजन करते हैं इकोनॉमी के रिलेटेड। लेकिन अभी आपकी जो चल रही है केयर टेकर गवर्नमेंट, तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इतने बड़े फैसले नहीं कर सकती, तो लिहाजा इस नॉर्मल गवर्नमेंट की ना होने की वजह से ये जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसके पास कुछ पावर्स हैं जिनको ये यूज करते हुए क्या कर सकती है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो है मामलात के ऊपर फैसला कर सकती है। तो इसने फैसला जो है 1 महीने पहले जो है कर दिया है, और इसने कहा है कि ठीक है, प्रूव कर दिया इसने कि ठीक है आप लोग क्या करें, रिफॉर्म्स करें। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद जो एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी है वो इस प्लान के खिलाफ है, वो कहती है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जो है सहूलतें मुयस्सर हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं जो कि फिर कम हो जाएंगी। तो इस वजह से जो एफबीआर के ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं चाहती कि क्या हो, किसी किस्म की एफबीआर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर रिफॉर्म्स हो। दूसरी तरफ जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, वो भी कहते हैं कि रिफॉर्म्स ना हो। अब उनकी क्या वजह है ना कहने की? उनकी वजह जो ये है कि वो ये कहते हैं कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, सेटअप है, जो केयर टेकर सेटअप है, ये इतनी, इसके पास इतनी पावर्स नहीं है कि ये कोई ऐसी पॉलिसीज बनाए जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हों और जिनके बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट्स हों। तो ऐसी पॉलिसी जो है वो कोई भी इन टर्म सेटअप जो है वो नहीं बना सकता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये वाली गवर्नमेंट जो है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये किसी किस्म की एफबीआर जो डिपार्टमेंट है उसमें वो रिफॉर्म्स ना करे, उसको रिस्ट्रक्चर ना करे, बल्कि इस मामले को अभी इधर ही छोड़ दें, ताकि जो नई गवर्नमेंट आएगी इलेक्शंस के बाद वो उसके ऊपर छोड़ दें कि वो क्या फैसला करती है। नई गवर्नमेंट आके इसको देखे कि इसको रिस्ट्रक्चर करना है, इसमें रिफॉर्म्स करनी है या नहीं करनी, ये उस पे आप लोग छोड़ दें। तो ये है आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन वाले हैं उनका मौकफ। अब आगे हम चलते हैं, आगे वो ये कहता है कि ये जो पार्टीज का मौकफ है जो ये बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिट्स हैं उसके मुताबिक वाकई ही जो इंटरिम सेटअप है उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है। तो ये तो बिल्कुल बात ठीक होगी, लेकिन वो कहता है कि ये जो एफबीआर वाले कह रहे हैं, ये वाले एफबीआर जो ऑफिशियल्स जो इसको अपोज कर रहे हैं, इसके पीछे तो सीधी सी बात है जो वजह है वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं,
उनकी जो सेल्फिश इंटरेस्ट है इसके पीछे कि उनकी पावर जो है उनको क्या लग जाएगा, चेक लग जाएगा, उनकी पावर जो है वो कम हो जाएंगी। तो उनके एफबीआर के पर्सपेक्टिव में तो वो कहता है ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं कि वो कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं। तो ये था आपका एफबीआर में रीस्ट्रक्चर। अब वो आगे इसको एक्सप्लेन करता है कि वाकई ही अगर रीस्ट्रक्चर किया जाएगा तो ये एक गलत मूव होगा, अच्छा स्टेप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको अभी एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है करेंगे रिफॉर्म्स, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू आप क्या करेंगे, ये रिफॉर्म्स करेंगे, जो कि अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो जो इतना स्ट्रॉन्ग जो है उसको क्या करेंगे, बेस नहीं मिलेगी लीगली तौर पर, ठीक है। तो लिहाजा वेट करना चाहिए। दूसरी तरफ वो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम रीऑर्गेनाइज करें एफबीआर को, ठीक है ना। इसमें कहता है कोई शक नहीं है कि हमें उसको कर देना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है कि उसको रिस्ट्रक्चर कर देना चाहिए एफबीआर को। क्या क्या उसके अंदर करना चाहिए? उसके अंदर जो पुलिसी जो है ना उसको अलहदा कर देना चाहिए, टैक्स कलेक्शन वाले अलहदा कर देने चाहिए और पुलिसी बनाने वाले अलहदा कर देने चाहिए, ठीक है, सेपरेट कर देना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है उसके एफबीआर के अंदर उसको क्या किया जाना चाहिए, इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जो पावर्स हैं एफबीआर के ऑफिशियल्स की उनको कम कर देना चाहिए ताकि जो टैक्सेशन है उसको हम इक्विटेबल बना सकें, फेयर बना सकें और साथ साथ कलेक्शन को बढ़ाया भी जा सके, बूस्ट किया जा सके। और बट इट इज बेस्ट टू लीव दिस जॉब टू द नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन ये वाले काम जो बहुत जरूरी हैं, बिल्कुल होने चाहिए, ये सारे के सारे बेहतर ये है कि आप अगली गवर्नमेंट पर छोड़ दें, आप ना करें। क्योंकि आप करेंगे तो आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू करेंगे जिसकी वजह से जो है बाद में प्रॉब्लम पैदा होगी। तो जनाब ये था एफबीआर के अंदर जो है टैक्स रिफॉर्म का मामला, जिसके ऊपर जो है कोशिश की जा रही थी। केयर टेकर गवर्नमेंट कह रही थी हम रिफॉर्म्स कर देते हैं, बट उनको फिर इस तरह के जो हैं अपोजिशन वाले और जो उनके एफबीआर वाले हैं वो उनके सामने ये रुकावट है। पेपर परस्पेक्टिव में अगर इस एडिटोरियल को आप डिस्कस करें तो सीधी सी बात है जो आपका मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोनॉमी, ठीक है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जब आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि हमें एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स करनी चाहिए। पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके अंदर अगर हम रिफॉर्म्स करते हैं तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो स्ट्रक्चर जो है ना एफबीआर का उसके अंदर तब्दीली करने की जरूरत है। और यही चीज जो है हम लोगों ने तब्दीली कह रहा हूँ सॉरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या है, रीस्ट्रक्चर उसको करने की जरूरत है। और यही चीज हमने कुछ दिन पहले एक ओपिनियन के अंदर भी डिस्कस की गई थी जिसमें ये वाली बात कही गई थी जो कि आज के एडिटोरियल के अंदर उसने नहीं कही कि जो इनलैंड एंड रेवेन्यू एक विंग है उसको कस्टम विंग से क्या कर दिया जाए, अलहदा कर दिया जाए, इनलैंड रेवेन्यू को और कस्टम को अलहदा कर दिया जाए, इस तरह की उसने बात की, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बात ये है कि जो उसने ये वाली सारे पॉइंट्स बताए हैं ये वाली रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। उन रिफॉर्म से ये होगा कि एफबीआर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसका टैक्स कलेक्शन करने का तरीका और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा और उससे जो करप्शन का लेवल है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फिर पेपर परस्पेक्टिव में जब भी आप जो है इकोनॉमी की बात करते हैं तो आप अल्टीमेटली टैक्स की बात करते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स, और टैक्स रिफॉर्म्स की जब बात की जाती है तो उसके बाद टैक्स कलेक्ट करने वाला कौन है, वो है एफबीआर। तो एफबीआर का जो स्ट्रक्चर है उसको भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, उसके अंदर भी उसको भी रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। तो लिहाजा जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उसके अंदर भी आप कह सकते हैं कि एफबीआर जो है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं कि जब उसको बेहतरी की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं एफबीआर के अंदर हमको रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। अब एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स कौन सी करने की जरूरत है, वो ये वाली जरूरत है कि उस क्या है सेपरेट कर दें पुलिसी वालों, पुलिसी को टैक्स से, टैक्स कलेक्शन से, इंट्रोड्यूस कर दें टेक्नोलॉजी को, ठीक है ना, और एफबीआर के ऑफिशियल्स की पावर को जरा थोड़ा कम कर दें
तो ये काम आप लोग कर दें एफबीआर में, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जब एफबीआर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, और टैक्स कलेक्शन जब ज्यादा होगा तो आपका अल्टीमेटली जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो इंप्रूव करेगी। ठीक हो गया जी, ये रहा आपका फर्स्ट एडिटोरियल। आवर फ्री मीडिया सेकेंड आपका एडिटोरियल है, और आवर फ्री मीडिया के अंदर जो बात वो करने जा रहे हैं जी, मीडिया की बात करते हैं, मीडिया की फ्रीडम की बात करेंगे, तो आपका मेन टॉपिक जो है वो मीडिया ही रहेगा। तो इसमें वो ये कहते हैं कि जो आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अभी के, ठीक है ना, वो डेवोस में अपना इंटरव्यू देते हैं इंटरनेशनल चैनल को, और वहां पर वो कहते हैं कि द मीडिया इन पाकिस्तान वाज फ्रीयर देन इन द वेस्ट, कि वेस्ट में जितना मीडिया आजाद है उससे ज्यादा मीडिया पाकिस्तान के अंदर आजाद है। और यही वाली स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वो फॉर्मर थे अपने टेन्योर के अंदर भी, उन्होंने इसी जगह पर यही इंटरव्यू दिया था और यही स्टेटमेंट बोली थी उन्होंने। ठीक है, तो पहले आगे चलने से पहले तो ये देख लें कि ये डेवोस है क्या, और फिर दूसरी बात कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्या कर रहे थे, पहले ये दो चीजें देख लें जो उसने इसके अंदर नहीं बताई, लेकिन मैं आपको बताना मुनासिब समझूंगा, वो पता होना चाहिए। तो पहले तो देखें डेवोस किधर है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि वहां पर हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या करने गया, जो उससे इंटरव्यू लिया गया, और उसके बाद उसने फिर ये वाली जो है स्टेटमेंट दी। तो जो डेवोस है बेसिकली वो यहां पर आपको ये कैबिनेट नजर आ रहा है स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये जो स्विट्जरलैंड कंट्री है, ठीक है, ये यूरोप है, यूरोप कॉन्टिनेंट होगा आपका, और यूरोप के अंदर है स्विट्जरलैंड, ठीक है। और स्विट्जरलैंड के अंदर अगर हम थोड़ा सा जाएं तो यहाँ पर आपको जिनेवा इसका कैपिटल नजर आता है, और जो डेवोस जो है वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, और डेवोस एक टाउन है, ये कैपिटल नहीं है स्विट्जरलैंड का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो पहुंच गए यहाँ पर डेवोस में। अब यहाँ पर वो पहुंचे क्यों, उनको वहां पर क्या काम था, वो भी आप लोग देख लें। वहां पर होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है किस्म की आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर साल होती है, तो इसी इस साल भी यहाँ पर हुई, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो वहां पर क्या हुए, पहुंच गए। तो अब आगे ये भी देखने, ये है क्या, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन बेस्ड इन कोलोंजी, ठीक है ना, जिनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड, फाउंडेड इन 1971, और जर्मन इंजीनियर जो था क्लॉस स्वैब, उसने ये बनाई थी, ठीक है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने बनाई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में। अच्छा, वहां पर मिलते क्यों है, वहां पर ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन बेस्ड इन, यानी कि वहां पर मुख्तलिफ किस्म जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहां पर स्टेट्स जो हैं वो आती हैं, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर गया, उसके बाद वहां पर मुख्तलिफ किस्म की जो एनजीओज हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, मुख्तलिफ किस्म की जो हैं आपकी कंपनीज मल्टीनेशनल लेवल की, उनके लोग आते हैं। तो ये सारे यहाँ पर इकट्ठे क्यों होते हैं, सारे ये बेसिकली यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे किए जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये होता है इनका मेन मकसद, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहां पर पहुंच गए, और फिर वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू दिया गया, और उस इंटरव्यू के अंदर फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो तो वेस्ट से भी ज्यादा, जितना मीडिया तो वेस्ट का फ्री नहीं है जितना हमारा फ्री है, आजाद है। तो कहते हैं कि फिर यहां तक तो होगी सारी की बातें की बातें, फिर वो आ जाता है आगे और कहता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है ऐसी बात कोई नहीं है, पिक्चर टोटली ही डिफरेंट है। और फिर वो कहता है अगर हम पीछे जाएं कुछ अरसा, तो जब नवाज शरीफ साहब आखिरी दफा जब उनको एस्टेब्लिशमेंट की फेवर नहीं मिली तो क्या हाल उनका किया गया था मीडिया के ऊपर, वो भी आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें तो उनकी अबडक्शन होती है जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं किया जाता, कई मर्डर हो गए हैं जर्नलिस्ट के लेकिन वो अभी तक क्या है सोल्व भी नहीं हुए, उनको किसी ने उन मर्डर के केसेस को हल ही नहीं किया। उसके बाद वो कहता है कि प्रेस एडवाइजरीज
जो कि ज़िया के दौर में शुरू हुई थी और अभी भी कंटिन्यू है, और अब तो वो हर हफ्ते जो है इशू होती हैं, कि अब मीडिया वालों के लिए आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अभी भी आती हैं कि आपने किस तरह से क्या करना है, किन एरियाज को छेड़ना है, किन एरियाज को नहीं टच करना। तो अभी ये सूरत हाल है आपके मुल्क में किसकी, मीडिया की, फ्रीडम की। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं इसको लेके जाऊं तो मेन टॉपिक आपका रहेगा डेमोक्रेसी और मीडिया फ्रीडम, ठीक है, ये रहेंगे मेन टॉपिक। और अभी जो है पॉजिटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ये बेसिकली जो मीडिया फ्रीडम है, देखें डेमोक्रेसी होगी तो मीडिया फ्रीडम जो है वो डेमोक्रेसी को क्या करती है, प्रमोट करती है। और दूसरी तरफ जो कोई भी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वहां पर जो मीडिया को क्या किया जाता है, राइट टू एक्सप्रेशन दिया जाता है, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच दी जाती है किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर। और अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखें तो वहां पे फ्रीडम टू स्पीच है, दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो मीडिया फ्रीडम बेसिकली जब होगी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो भी गवर्नमेंट बैठी है वो अगर कोई अच्छा काम करती है तो मीडिया उसको हाईलाइट करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसको इनकरेज करेगा। अगर कोई गलत काम करती है तो मीडिया उसको हाईलाइट करेगा, उसको क्रिटिसाइज करेगा और लोगों तक पहुंचाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा होगी, ठीक है। और जब पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा हो जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि हम जो जो पार्टी पावर में है ये क्या कर रही है, तो फिर अल्टीमेटली जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस होंगे तो लोग फिर सोच समझ कर वोट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट जो लीडर आएगा डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर वो और ज्यादा अच्छा आएगा। ये बेसिकली डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट्स है। हाँ, पाकिस्तान में ये फुलफिल होती हैं या नहीं होती वो एक अलहदा डिबेट है, ठीक है, उसका क्या हाल है वो तो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर ये चीजें होती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर हम नजर डालते हैं तो मीडिया की फ्रीडम एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और जब क्वेश्चन मार्क है तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो नहीं है। और उस क्वेश्चन मार्क के अंदर एक क्वेश्चन मार्क अरशद शरीफ का मर्डर केस, वो अभी भी आपके सामने एक जिंदा मिसाल है कि क्या हुआ था, ठीक है। तो दैट इज द ट्रू पिक्चर ऑफ मीडिया फ्रीडम इन पाकिस्तान। तो आप पेपर पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी के बारे में लिखते हैं कि व्हाट आर द हर्डल्स, तो हर्डल्स में आप मीडिया को मेंशन कर सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड है, उसको बिल्कुल आजादी नहीं है कि वो कोई काम अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है जी। तो अगर आप डेमोक्रेसी को बेहतर करना चाहते हैं तो सजेशंस में लिख सकते हैं कि मीडिया को फ्रीडम दी जाए ताकि वो ये काम कर सके, तो फिर ही पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, बेहतर होगी, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड। थर्ड, वंस अगेन नो ओलंपिक्स, इसके अंदर वो बात करेगा हॉकी टीम की। कहना वो ये चाहता है कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो हार गई है, अब वो ओलंपिक्स के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि मुझे ज्यादा स्पोर्ट्स तो नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि जो पहले वार्म अप मैच होते हैं, एक दूसरे मैचेस होते हैं जो आपके पहले खेले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10-12 टीमों को बुलाया है तो 6 टीमें ऊपर जानी है, तो फिर इनके पहले आपस में मैच करवाए जाते हैं, इनमें से बेस्ट जो होगी वो फिर क्या है आगे जाकर खेलेगी जो भी गेम्स हैं। तो पाकिस्तान की टीम ये नीचे वाले पोर्शन में ही हार गई है और वापस नहीं, अब वो ओलंपिक्स में नहीं जा रही, इसके ऊपर वो बात करने जा रहा है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो हार गई, तो पाकिस्तान विल नॉट बी कम्पीटिंग एट दिस ईयर पेरिस ओलंपिक्स के अंदर, पाकिस्तान जो है वो नहीं जा रहा। तो पहले तो देख लें ये पेरिस ओलंपिक्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी की बातें हम लोग करते हैं। तो पहले तो देख लें पेरिस कहाँ पे है, फिर ओलंपिक्स। ये जी अभी आपको ये है फ्रांस आपका, और इसका जो कैपिटल है वो है पेरिस, ये आपको जबानी याद होना चाहिए। और अभी मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, तो आपने वो भी बताना है, ठीक है। दूसरी तरफ ये इटली वगैरह है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, ये सारे यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड है, स्पेन है, और ये जो है आपका सारे का सारा ये है फ्रांस। यहाँ पर होने जा रही हैं आपकी जो 2024 की समर ओलंपिक्स, इस कंट्री के अंदर होने जा रही हैं, फ्रांस के अंदर पेरिस में। अब यहां पर हॉकी टीम में पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की हॉकी टीम इसमें नहीं जा रही क्योंकि वो हार गई है।
तो यही इसके बारे में आप देख लें कि 2024 समर ओलंपिक्स गेम्स जो हैं वो होने जा रही हैं जी। फ्रॉम डेट कौन सी होगी, 26th of July से लेकर 11th of July तक। इसके अंदर जो आपने चीज याद रखनी है ना वो इतना ही काफी है कि ये समर जो ओलंपिक्स 2024 हैं वो कहाँ हुई हैं, तो वो कहाँ होने जा रही हैं, पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर। दैट इज इनफ, इससे ज्यादा आपको ये खिचड़ी में जाने की जरूरत नहीं है, ये कौन किधर ये बस ठीक है। डेट भी कभी 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 रेयरली पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते क्योंकि इतनी डेटें को याद भी नहीं रखता। तो दैट इज द मेन थिंग कि जो समर ओलंपिक्स हैं वो कितने साल बाद होती हैं, एंड सेकेंडली जो है वो इस वक्त जो 2024 की समर ओलंपिक है वो किस मुल्क में होने जा रही है, बस आपको ये पता होना चाहिए या उस मुल्क के बारे में मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो हॉकी टीम है वो नहीं जा रही क्योंकि वो हार गई है। आगे वो कहता है कि बात क्या होगी, क्यों हार गई, क्या मसला, क्या हुआ। तो कहता है बातें तो बहुत सी हैं लेकिन कुछ का बताता हूं कि पाकिस्तान की जो हॉकी फेडरेशन है PHF, उसकी हालत बड़ी खराब है। ठीक है, रिसेंटली जो उसका जो प्रेसिडेंट था रिटायर ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर साहब, उसको जो है सीट से उतार दिया गया है और उसकी जगह पर नया बंदा रखा गया है। इसके एक तो ये प्रॉब्लम होगी कि मैनेजमेंट की, दूसरा वो कहता है कि फाइनेंशियली तौर पर भी ये जो है ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये बड़ी डिस्टर्ब है, इसको फंड्स वगैरह की भी कोई कमी है। और कहता है कि अभी के जो प्लेयर्स हैं जो इस टीम में खेल रहे हैं और साथ में जो कोचिज हैं जो स्टाफ है उनको अभी तक ना तो अलाउंस मिले हैं और ना ही उनको जो सैलरीज उनके साथ कंट्रैक्ट किया गया था ना उनको सैलरीज मिली हैं, ये दोनों चीजें ही उनको अभी तक नहीं दी गई। तो वह कहता है कि एक रीजन ये भी है पुअर परफॉर्मेंस की जो पाकिस्तान की हॉकी टीम ने दी है। ठीक है, तो ये कुछ वो चीजें बताता है इसके अंदर। अब जो है आगे जाते हैं पेपर पर्सपेक्टिव में, तो अगर मैं पेपर में चाहूँ तो जाहिर है स्पोर्ट्स आपका मेन है, तो पाकिस्तान है आपका मुल्क और ग्लोबलाइजेशन है पूरी दुनिया के अंदर, तो आप आइसोलेट तो रह नहीं सकते, आइसोलेशन में तो आपको रहना नहीं है क्योंकि आपको दुनिया के साथ चलना है। जैसे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी जो है अक्सर चलाई जाती है, फिर ट्रेड होती है और फिर जो स्पोर्ट्स है, अगर किसी सोसाइटी के अंदर स्पोर्ट्स बोर्ड कोई मुल्क जो है वो ज्यादा से ज्यादा मेडल स्पोर्ट्स के अंदर जीत रहा है तो इसका मतलब है कि वो वाला मुल्क उसकी सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी है, हेल्थी एक्टिविटीज के अंदर वो इन्वॉल्व है। तो स्पोर्ट्स जो है बेसिकली जैसे पाकिस्तान है ये जो है आपको आइसोलेशन से बचाती है, ये आपको पूरी दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाती है। आप स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के साथ लोगों का दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस बना सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं और उसके बाद आपका नाम भी होता है कि आप क्या है एक हेल्थी सोसाइटी है। और इसके साथ साथ अगर किसी सोसाइटी के अंदर स्पोर्ट्स बढ़ जाए तो क्राइम रेट जो है वो लो हो जाता है और इससे क्या होती है फिर प्रोग्रेस भी होती है। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस यू कैन कनेक्ट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, सो जी ये रहा आपका टुडे लेक्चर, कमेंट में आपने हमें जरूर फीडबैक देना है और हैव अ नाइस डे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।